आप अगर नोएडा में फ्लैट लेते हैं तो एक आशा और उम्मीद जुड़ी रहती है कि वहां आपको एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्डर आपसे सेवा, सुविधा और सुरक्षा का वादा करते हैं, लेकिन हकीकत इससे उलट है। मामला नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 75 के गोल्फ एवेन्यू 2 का है, जहां दिन दहाड़े चोरों ने एक फ्लैट में चोरी करके दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि चोरों ने 12 से 15 लाख की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। मामले में पीड़ित ने मेंटेनेंस एजेंसी पर चोरी का आरोप लगाया। इसके साथ ही पीड़ित ने बिल्डर पर लापरवाही और सोसाइटी के सिक्योरिटी पर सवाल उठाया। चोरी में लगभग 65,000 रुपये कैश और लगभग ज्वेलरी गई है वाइफ की, लगभग 200 ग्राम के करीब, 200 से 250 ग्राम। कितनी कीमत होगी लगभग मान के चले 12 से 15 लाख के बीच में कीमत। तो अभी आप पे किसी को शक है, और कब आपको पता चला कि आपके घर में चोरी हुई है? जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है उसको देख के ऐसा लगता है कि ये वारदात को अंजाम देने वाला सोसाइटी का कोई भीतरी इंसान है, जैसे कि मेंटेनेंस एजेंसी या फिर हाउसकीपिंग एजेंसी। बताते चले कि पीड़ित मयंक सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के गोल्फ एवेन्यू 2 में पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। दोनों निजी कंपनी में जॉब करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।